ज्ञान तिम्रान दश ज्ञान जल सलाका चक्षु ने मिलते येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा महां पदाति स्वपंडितम। वंदेहम श्री गुरु सुयुक्त कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागरतम सागरम तम सत्यम साधुतम साधुतम पर्यंतम सुंदरम श्री राधे कृष्ण पदान सागरम तिथि विशाखा विंतश। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विशाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान स्वामी इति नाम ने नमस्ते सरस्वती देव वरुणि पचाने निर्विशेष उन्नति पास स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वित गदाधर श्री वशादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जापा सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णवों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सभी वैष्णवों के सामने मुझे कुछ दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी वैष्णवों का कृपा मानता हूँ और गुरु का आशीर्वाद मानता हूँ। क्योंकि मुझ में ऐसे कोई क्षमता या योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद के कारण ही मैं यहाँ पर दो शब्द अपना प्रस्तुत कर सकूंगा। सामान्यतः लोग बातें करते हैं कि हम भक्ति में अपना आध्यात्मिक प्रगति क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या बाधा है कि हम अपनी भक्ति में अपना आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक प्रभु बहुत अच्छा एक लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने इस लेक्चर में एक कहानी बताया था। वो बोलते हैं कि एक ठाकुर थे जिनके लड़के की शादी थी। तो वो ठाकुर जो ठाकुर थे उनका घर नदी के इस तरफ था और जो लड़के का विवाह हो रहा था वो नदी के उस तरफ था। तो अब शादी की तैयारी हुई, सब कुछ हुआ, टाइम से सब कुछ हो गया। अब सारे दूल्हा के साथ बाराती आए और नाव उन्होंने एक अरेंज किया था बहुत अच्छा सजा के, तो वो आके सब नाव पे बैठ गए। अब हुआ यूं कि उस ठाकुर ने बोला कि आप मल्हार को जो नाव खेने वाला था उनको बोला कि आप अगर हमको टाइम से या टाइम से पहले जो शुभ मुहूर्त है विवाह का उससे अगर पहुंचा देते हैं तो हम आपको इनाम रूप में कुछ ना कुछ राशि देंगे। तो ये मल्हार को लालच हो गया और उनके साथ आठ साथी और भी थे उनके जो नाव को खेलने वाले थे, सभी बैठ गए। थोड़ी देर बाद सारे बाराती सो गए क्योंकि रात्रि का समय था और ठंड भी बहुत थी, तो सब सो गए। अब नाव चलने लगा। अब मल्हार के मन में यह लालच था कि मैं टाइम से पहुंचा दूंगा तो मुझे इनाम रूपी राशि मिलेगा। वो रात भर कंटिन्यू चलते रहे विदाउट स्लीपिंग विदाउट रेस्ट, चलते रहे और बाराती और दूल्हा और ठाकुर सब सो रहे आराम से। जब सुबह का समय हुआ थोड़ा कोलाहल सुनाई दिया, ऐसा लगा कि वो मल्हार अपने साथियों के साथ कुछ बातचीत कर रहा, बकझक हो रही है, झगड़ा हो रहा उनके भी। तो ये आवाज सुनकर ठाकुर उनके बाराती सब जग गए। तो बोला हाँ क्या हुआ, क्यों आप हल्ला कर रहे हो? तो बोला ऐसा है हम तो रात भर नाव चलाए लेकिन नाव अपने जगह पे ही खड़ी है। ठाकुर का गुस्सा हो गया हाय, वो आग बबूला हो गया, यहाँ तक कि उसने मल्हार को गाली गलौज भी कर दिया। तो उसी बाराती में एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला देखो शायद आपने लंगर ऊपर नहीं किया होगा एंकर, जिसके चलते बोट जहां की जहां खड़ी है, आप एक बार देखो चेक करो। तो मल्हार ने जाके देखा तो सही बात है, वो लंगर वही रखा रहा और इन्होंने रात भर ऐसी फालतू में मतलब पतवार चलाते रहे लेकिन नाव तस की मस नहीं हुई। कहने का मतलब है प्रभु यहाँ पर ही कि जो ये जो लंगर है, ये कहानी सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद द्वारा बताया गया है। इन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है इसमें। ये बोलते हैं कि जो लंगर है, लंगर वो हमारी भौतिक आसक्ति का प्रतीक है। जब तक हम इस भौतिक आसक्ति में लिप्त रहेंगे तब तक हम किसी भी तरह आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती हमारी भक्ति में। उसके आगे बोलते हैं प्रभु कि ये भौतिक आसक्ति है क्या? वो बोलते हैं शरीर को कुछ मानना, अपने शरीर को ही सब कुछ मानना हमारी भौतिक आसक्ति है, जिसके कारण हम आगे अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते हैं। आगे बोला गया प्रभु कि मल्हार कौन है? तो मल्हार आज की दुनिया में, आज के कलयुग में बहुत सारे मल्हार घूम रहे हैं। इनको अज्ञानी गुरु का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे गुरु है, साधु है, जो अपने आप को गुरु मानते हैं लेकिन वो वास्तविक में गुरु नहीं होते। वास्तविक गुरु वो होते हैं जो वास्तविक गुरु परंपरा से आए होते हैं, भगवान का साक्षात्कार किया होता है और जो अपने शिष्यों को सही रास्ता बताए,
तो ऐसे आपको बहुत सारे मल्हार मिलेंगे। अब आते हैं मल्हार और उनके साथी, ये कौन है? तो मल्हार के जो साथी है वो हम जैसे ही बदात्मा है, जो इस तरह के गुरु, इस तरह के अज्ञानी गुरु पे विश्वास कर लेते हैं। अब आगे पर वो आता है, जमींदार का जो पुत्र का विवाह है वो क्या है? वो भगवान के साथ जीव के संबंध को दर्शाता है। उसके बाद प्रभु शुभ मुहूर्त क्या है विवाह का, वो बताया गया है। वो जो शुभ मुहूर्त का जो समय है वो हमारा दुर्लभ मानव जीवन है, जिसमें हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे सखा के रूप में, मधुर भाव के रूप में, किसी भी तरह हम सिर्फ इस मानव जीवन में ही कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस मानव जीवन को शुभ मुहूर्त का प्रतीक बताया गया है। उसके बाद नाव की पतवार है। नाव की पतवार को वो रात भर चलाए, तो उनको जो प्रतीक बताया गया है साधन का, भजन का प्रतीक बताया गया है, जिससे हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। लेकिन अगर वो भौतिक आसक्ति रूप लंगर अगर नीचे लगा रहेगा, तो हम जितना भी नाव का पतवार भजन साधन कर ले, हम आध्यात्मिक जगत में हम अपनी प्रगति, कहने का मतलब ये है प्रभु। अब आगे प्रश्न उठता है कि ये भौतिक आसक्ति दूर कैसे होगी, कैसे जाएगा हमसे? तो इसके लिए भी बहुत अच्छा भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वस्व सिद्धि होए। गुरु पादाश है, गुरु की शरण लेने से ही हमारी ये सब भौतिक आसक्ति दूर हो सकती है। भक्तों की संगति, वैष्णव एवं गुरु की कृपा के बदौलत ही भक्ति आसक्ति को दूर कर सकते हैं, और हमारे पास इसके लिए कोई भी उपाय नहीं है। तो इसके लिए हमको जो वास्तविक गुरु है, जो गुरु परंपरा, जो वास्तविक गुरु परंपरा से आते हैं, जिनके जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, हम उसके शरण में ही जाके हम इस भौतिक आसक्ति को सबको दूर करके और हम अपने भक्ति जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही मैं अपना जापा टॉक समाप्त करता हूँ। इस वाणी से जो भी न्यूनता या अधिकता हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्ण, धन प्रणाम।